नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ गणित का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न। बच्चों प्रश्न दिया है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी दो किरण दी हैं, ए बी और सी डी दो किरण दी हैं, इसको एक तीसरी किरण है एस और क्यू, ये तीसरी किरण एक दूसरे को बिंदु पी और क्यू पर काट रही है, जिसमें पी क्यू डी का मान दिया है 55 अंश। ये हमारा पी क्यू डी का मान 55 अंश दिया है और एस पी बी का मान 9x+10 दिया है, और जिससे मुझे एक्स का मान बच्चों निकालना है। तो यार एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे, वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बच्चों सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, आपको पता होना चाहिए ये हमारा जो एस पी बी जो होता है, मतलब कोई अगर दो किरण एक दूसरे को, दो किरण को एक तीसरी कोई किरण काटती है, तो ये वाला हमारा एस पी जो बी होगा, एस पी बी लिखेंगे कोण एस पी बी बराबर होगा कोण पी क्यू डी के। क्यों बराबर होगा बच्चों, इस तरह के कोण को हम संगत कोण कहते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, इनको हम संगत कोण कहते हैं, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब एस पी बी का मान इसमें कितना दिया है 9x+10, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 9x+10 रख देंगे, बराबर में पी क्यू डी का मान कत बच्चों दिया है 55 अंश, तो मुझे यहाँ पर 55 अंश रख देना है। ये हमारा 9x हो जाएगा, ये हमारा 55 है, इसको हम इधर पंचांतर करेंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। 9x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ हम घटा देंगे तो हमारा बचेगा 5, और यहाँ हो जाएगा 5 में से एक जाएगा 4। x का मान निकालने के लिए जो हमारा x के साथ में गुणे में 9 दिया है, बटे में आ जाएगा, 9 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, 9 × 5 = 45 अंश, जो x का मान बच्चों आएगा ये हमारा 5 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।